ये एक्चुअल आएंगे इसी पे। देखें बात ये है, हिंदुस्तान में जो भी अटैक हुआ उन्होंने हमारे किसी का नाम लिया ना, उन्होंने सबूत दिया ना हमें कभी यहाँ पे सबूत मिला। अब जब आप किसी को आपने अगर सज़ा देनी है तो अदालत के ज़रिए ही देंगे, अदालत में सबूत नहीं होगा वो छूट जाएगा। फंड्स किसी के चेक करना वो आपकी वैसे ही जिम्मेदारी थी, आप जब भी पहले भी वो ले रहे थे, तो कोई भी ले रहा है यहाँ पे, वो टेररिज्म की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी किस्म की हो रही है तो वो। लेकिन इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का आज दिन तक कहीं से कोई शिकायत या सबूत भी नहीं आया, कोई जिक्र नहीं आया कहीं से कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसका है तभी हम दे रहे हैं आपको ये। जो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा जो वाजे सामने है वो तो ये फेक अकाउंट्स वाली आई है जो सियासतदानों की हुई है, और आप उसको बात ही नहीं करते। अब चीज़ ये है कि अगर आप इनको सजाएं दे के, जिनके ऊपर ना जुर्म आप साबित कर सकते हैं ना जुर्म हुआ ना वो शामिल थे, पहली बात ये कि अगर हम ये हरकतें कर रहे हैं जो कर रहे हैं इस पे हम ये तस्लीम कर रहे हैं, सारी दुनिया गलत है जनरल साहब। नहीं सारी दुनिया गलत है ना इस नुक्ता निगाह से कि सारी दुनिया अपना दिफा करती है, एक सेकंड, सारी दुनिया अपना दिफा करती है, आप अपना नहीं करते। आपके यहाँ एक स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है, कल बोशन स्टेट टेररिस्ट बैठा हुआ है, शर्मनाक हद तक हम चुप रहे, कभी उस पर बात नहीं हम करते। आपके नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, आप उसके घर तक चले जाते हैं, वो उनका आईजी पुलिस किताब लिखता है, वो कहता है जी अजमल कसाब पहले ही हमारी कस्टडी में था, आप उसके घर से फिर के आके कहते हैं जी है हम दे रहे हैं। आप कहते हैं जी क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, आप अपनी जबानों को लगाम क्यों नहीं देते, आप क्यों नहीं वो बात करते जो आपको करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए थी कि भारत झूठ बोलता है, आपको बात करनी चाहिए थी कि भारत यहाँ टेररिज्म करा रहा है। बिल्कुल झूठ बोलता है भारत, बिल्कुल टेररिज्म करता है। आपने वो कहने की बजाय आपने इधर हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया कि जी हम ये चोर हैं, हम ये कर रहे हैं, इनको पकड़े करें, किसने हमला किया, आप लोग करते हैं कि जी इनको पकड़े, देखे ना, नहीं ये गलत है बात। बेसिकली कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए बजाय एफएटीएफ की नौकरी करने के, बजाय हिंदुस्तान की नौकरी करने के लिए, आप हमें कहते हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं अपने मुल्क पे। मेरी बात सुनो, आप हमें ये नहीं कह सकते, एक सेकंड बात सुनो, 70,000 लोग यहाँ के मारे गए, उनके खून की कोई बात नहीं करता। भारत ने दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान जो मजलूम था उसको छोड़ के अपने आप को मजलूम दुनिया में बता दिया। बात करने वालों को दुश्मन कह के और एजेंट कह कह के जो है भारत का छोड़ा नहीं है, एजेंट की बात नहीं है। आप एकदम आपकी हमारे आपने अभी कहा कि आप जो है आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ है क्या, मुल्क के खिलाफ है। अगर कोई दहशतगर्द जाके किसी और मुल्क पे हमला करता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे उसका नाम है तो उसका नाम लेना और उसको जो है अपने हवाले में बात सबूत लाओ जैसे ये इसने किया है। अच्छा मैं इसे देख लेता हूं, दे नहीं सकेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे जैश मोहम्मद यूएन में जाके और हक्कानी नेटवर्क, आपकी हुकूमत जाके यूएन में दफा नहीं करती अपने आप, और आप ही का मुनीर अकरम था, आप ही का मुनीर अकरम था जो था। अच्छा मैं और खून बहे, जिसने खून बहाया है उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं करते। नहीं बात करना नहीं, आप जंग लड़े ना भाई, हमने बालाकोट में हमला कर जाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी हम जो है लड़े, भाई हमारे पास पूरी फौज है। इंडिया का नैरेटिव है ये, इंडिया का नैरेटिव है कि बालाकोट में उन्होंने कुछ किया, देयर इज नथिंग। पीएनएस मेहरान ने इंडिया ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, बालाकोट में इंडिया ने हमला किया कि नहीं। DGISPR की ट्वीट है, DGISPR की ट्वीट है कि बालाकोट में हमला करके गए। नहीं आप इंडिया की बात कैसे कर रहे हैं, DGISPR इंडिया का है या पाकिस्तान का है? नहीं नहीं वो आप नहीं देंगे, ये वक्त अब चला गया है जनरल साहब, आप किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बगैर सबूत के आप नहीं कह सकते। हम पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं और इतनी ऊंची पाकिस्तान के लिए भारत का नैरेटिव, इतनी आवाज भारत का नैरेटिव बोल के उसको कोई नहीं सुन पाया, भारत का नैरेटिव बोल के पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए। मानिक बहुत हो गया, 25 मिनट तो साल गांधे हो नवाज शरीफ थे उस तो बाद सानू कहंदे सी कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ गलत कर रहे ने। अच्छा लेट्स ऑल स्टेप बैक फॉर अ सेकंड, लेट्स जस्ट स्टेप बैक, अभी लेके आते हैं वापस।
हमें आपस में बहस करनी, हमने लड़ना तो नहीं, नहीं सर, लेकिन इस पे भी जीतना आता है। पाकिस्तान के फायदे की आप खुद मुजरिम बना बना के पाकिस्तान को पेश करोगे तो दुनिया छतराल करेगी। मैं एक टेक्निकल सवाल पहले पूछ लूं।